गुण कंद। माधव वंदित विमाल पद, हरि करि हरि हरि हन। अंतिम पद, ई विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होए, होत उदंगल दूर सब तम ज्यो भानु द्योत। बराबर छे ने, आ જોયા વગર કર્યો છે હે નથી, સેકન્ડ લાઈન માં કઈ ગડબડ છે? હા હા, ફરીથી કરી લઈ, ચાલો મંગલ કરંતે સબ હો તો ઉદંગલ દૂરી સબ સમજો, એ જ તો કીધું તું ભાઈ. ના ના, સ્ટાર્ટિંગ ઇઝ ફર્સ્ટ ટુ લાઈન માં, સેકન્ડ લાઈન માં. હા હા, ચલો હવે આગળ થી જાય. સરસ. કાલે આપણે, કલ અપન લોકોને ગુણિસ્થાન વિવેચન મેં એક બહુત હી મહત્વપૂર્ણ ટોપિક જિસ પર ચર્ચા કી થી, વો યે કિ ગુણિસ્થાનો કી જાનકારી ક્યોં જરૂરી હૈ. મુદ્દે કી બાત યે થી, ગુણિસ્થાનો કી જાનકારી ક્યોં જરૂરી હૈ. તો કલ મેને આપકો એક પ્રતિજ્ઞા દિલવાઈ થી, યાદ હૈ સભી કો? क्या है प्रतिज्ञा? यद्यपि आत्मा कैसी है? स्वभाव से गुणस्थानातीत है. आगे बोलो, कौन एक व्यक्ति कौन बोलेगा? चलो, हाँ ये नीना भाभी बोल रही थी, हाँ ट्राई करो. राइट, हाँ. आम तो स्वभाव से गुणस्थानातीत छु, पर पर्याय में गुणस्थानातीत थवू छे, एटला माटे मोक्ष मार्ग में मा... માનચિત્ર ની જેમ હું ગુણસ્થાનો અધ્યયન કરીશ. બહુ સરસ. માનચિત્ર એટલે કે કહાં તક જાના હૈ યે નિર્ણય કરને કે લિયે, ઓર ના કેવલ કહાં સે કહાં તક જાના હૈ બલ્કિ કહાં સે મુડના હૈ, કહાં સે ચડના હૈ, ઓર કહાં સે पढ़ने वाली जगह है तो वहां उस तरफ आगे नहीं बढ़ना है. ये जैसे गूगल मैप में जानकारियां ली जाती हैं, वैसे ही गुणस्थान विवेचन में भी यही सब बातें कही जाए. इसीलिए गुणस्थानातीत आत्मा के अनुभव के लिए भी अपनी अवस्था जानना जरूरी है. और मैं इसलिए ही गुणस्थानों का स्वरूप समझ रहा हूं, ये हमारी प्रतिज्ञा है. बराबर. फिर मंगलाचरण देखा था, और दो उसके पहले भी एक दो बातें ये चर्चा में ली थी कि भाई यद्यपि आत्मा गुणस्थानातीत है, पर्याय में प्रकट होना है, तो गुणस्थान को जानने से बेनिफिट क्या रहा? बेनिफिट ये रहा कि कौन सी अवस्था में, मैंने कल एक बहुत सुंदर बात भी की थी जिसे आज फ्लायर में भी रखा है, सुवाक्य में भी रखा है, कि एक सा संसार का रोग है और एक सी औषधि. दोनों एक सा होने पर भी किसको कितना डोज देना है ये बगैर गुणस्थानों के पॉसिबल नहीं है. और अगर आप उसको सही से नहीं समझेंगे तो हमेशा आपको ये लगेगा ये मोक्ष में है तो परिवार में क्यों है, ये मोक्ष में, और अगर ये परिवार में रहकर मोक्ष जा सकते हैं तो मुनिराजों ने कपड़े क्यों छोड़े. बराबर. मुनिराज ने कपड़े तो छोड़ दिए तो शरीर, खाने का मोह क्यों नहीं छोड़ा? वो भी छोड़ देते, समाधि ले लेते. तो ये जो तमाम प्रश्न हैं कि सम्यक दृष्टि को कमाने भोगने का भाव क्यों आता है, पंचम गुणस्थान वर्ती आधा छोड़ता है आधा क्यों बाकी रखता है, मुनिराज सब छोड़ देते हैं तो खाने के भाव क्यों बाकी रखते हैं, हैं ग्रंथ क्यों लिखते हैं, और अगर रत्नत्रय में ये सब बंद के कारण है तो ये सब ये एक्टिविटियां होती क्यों. ये जो चीज आपको जब तक आप गुणस्थान नहीं समझेंगे तब तक ख्याल में नहीं आएंगी. बनारसी दास जी को भी एक कलम ने याद किया था और ये समझने की कोशिश की थी, बनारसी दास जी भी इस प्रॉब्लम से बच नहीं पाए. तो बनारसी दास जी को भी अपने आप को सेटल करने के लिए, मोक्ष मार्ग में एस्टेब्लिश करने के लिए गुणस्थान पढ़ना जरूरी लगा. तो उनसे चूक हो सकती है तो किसी से भी हो सकती है, इसीलिए गुणस्थान पढ़ना जरूरी. ठीक है. मंगलाचरण में अपन ने
अमुक चीजें पढ़ी थी उनमें चार पदों के अर्थ कर लिए थे, उनके अलावा अब अपने को आगे की बात करनी है। ये वाला जो पद है, ये वाला दिख रहा है ना सबको, मैं नमो नगन जैन जन, पढ़ेंगे इसको एक बार, पढ़िए एक साथ सब। मैं नमो नगन जैन जन घनलीन, मैं नमो, मैंने इसकी एक कल खूबी बताई थी, किसी को याद है क्या? इसे कहते हैं मणि बंधन रचना, यानी कि जैसे अगर आप एक चक्र बनाए ना परिकर, तो परिकर में अलग अलग शब्द रख दें और केंद्र में ना रखे, आ रहा है ख्याल में? परिकर बनाए एक गोल सर्किल, उसमें अलग अलग अक्षर रखें और केंद्र में क्या रख दें, ना। तो मैं ना, मो ना, ग ना, जे ना, ज ना, ऐसे इसकी रचना एक एक मणिबंध जैसी रचना हो जाती है, बराबर। इसीलिए ये साहित्य का अलंकार है। टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, गद्य के तो पंडित थे ही, पद्य उन्होंने ज्यादा लिखा नहीं, लेकिन जो पद्य लिखा है वो भी बड़ा अद्भुत है। इसीलिए ये रचना एक एग्जाम्पल के रूप में वहां पे आती है कि ये ऐसा उन्होंने लिखा। जरा अर्थ देखते हैं, ये किसको आ, 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 क्या कहते हैं, किसके लिए समर्पित है, है? किसके लिए समर्पित है? मुनिराजों के लिए। हाँ, ऊपर अपन ने देखा अरंत को नमस्कार किया, सिद्ध को नमस्कार किया, जिनवाणी को नमस्कार किया, सबको नमस्कार किया ना। अब मुनिराज बाकी हैं, तो मुनिराज के लिए कहते हैं मैं नमो नगन जैन जन, मैं उन जैन जन को नमस्कार कर रहा हूं। ओहो, बोलो दीपेश भाई, आपको नमस्कार किया क्या कि नहीं किया? आप भी तो जैन हो हितेन भाई, जैन जन है तो जय जिनेन्द्र, सबको नमस्कार किया नहीं? सच्चे जैन वो हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है, बाकी जैसे धनपति नाम रखने से कोई पैसे वाला नहीं हो जाता, होता है ना, एक एक क्या कहते हैं, एक व्यक्ति का नाम बड़ा खराब था पलटू, तो वो अपने माँ बाप से बड़ी शिकायत करता था कि मेरा नाम पलटू क्यों रखा? बोले नाम तो नाम है बेटा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? बोले ऐसा लगता है जानबूझ के आपने चुनावी माहौल में मेरा नाम रखा हो, सब पलटू राम कह कर मुझे चढ़ाते हैं। तो बोले नाम में कुछ रखा नहीं, तो गुस्से में गया और रास्ते में जाके देखता है एक एक शव यात्रा निकल रही, नहीं एक 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 लेडीज है भीख मांग रही, और भीख भी कैसी, पहले के टाइम पे एकदम बहुत गरीब होती थी ना वो लेडीज, छांड़ इकट्ठा करती थी, छांड़ गोबर। तो बोले तुम क्या कर रही है? बोले गोबर इकट्ठा कर रही, तुम्हारा नाम क्या है? बोले लक्ष्मी। बराबर। फिर आगे गए तो एक आदमी भीख मांग रहा था, बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले भीख मांग रहा हूं। बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले धनपत। फिर तीसरे राम पे जाके देखा तो एक की शव यात्रा निकल रही थी, बोले ये कौन है? बोले अमरचंद जी मर गए। तो वो घर आके फिर चुपचाप हो गया। बोले पिताजी ने बोले बेटा गया तो बड़े गुस्से में था, ये वापिस एकदम ठंडा ठंडा होकर कैसे आ गया है? तो उसने एक दोहा बोला कि लक्ष्मी गोबर या बीने, गोबर को बीन रही है कौन? लक्ष्मी। धनपत मांगे भीख, धनपति राम भी क्या मांग रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। और अमर भी जहां मरत हैं, अमर भी जहां मरत हैं, कुछ तो पलटू सीख। कि पलटू अब तू नाम में क्या पड़ा है,
सब अपने अपने काम से चल रहे। तो अब मुझे बताओ, हम जैसे लोग हैं, ये कहीं वो वाले जैन तो नहीं है कि वो लक्ष्मी जो गोबर बीन रही है, वो धनपति जो भीख मांग रहा है, और वह अमर राम जो मरे जा रहा है। हम लोग भी कहलाते जैन, लेकिन कहते नहीं नहीं जैन तो हैं, लेकिन रात को 10 बजे पाव भाजी चाहिए ही चाहिए। कहलाते जैन हैं, लेकिन 12 बजे भूख लगे तो भी पिज्जा चाहिए ही चाहिए, है ये चाहिए ही चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। अरे रे 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 रे, ये सब वो ही वाले धनपति हैं जो भीख मांग रहे, ये वो ही लक्ष्मीपति हैं जो छाण बीन रही, और ये वो ही अमरचंद जी हैं जो मर। तो एक होता है नाम का जैनपना और एक होता है काम का जैनपना। जैन शब्द में इंद्रिय जयपना छिपा हुआ है। जिन तो सच्चे जैन कौन है? बोले सच्चे जैन है अनंत भगवान, और उनके मार्ग पर चलने वाले नग्न दिगंबर साधु उनके खरे हकदार हैं। बराबर समझे कि नहीं समझे? और जो लीगल वारिस होता है वही उनकी संपत्ति का अधिकारी होता है कि नहीं होता है? विचार करके देखो, एक एक जो किनको मिलेगी भगवान की संपत्ति? जो भगवान का वारसदार होगा, और भगवान का वारसदार कौन? जो उनके नाम को रोशन करेगा। तो भगवान कैसे? बोले भगवान ज्ञान ध्यान में लीन है, तो उनके वारसदार भी कैसे होंगे? बोले वो भी ज्ञान ध्यान में लीन होंगे, और उनके वारसदार कहें और धंधे पानी से फ्री ना पड़े, 24 घंटे विषय घसायों में पड़े रहें, तो बोले सब नाम के जैन हैं, वो भगवान के वारिसदार नहीं हैं। और जो भगवान के वारिसदार नहीं हैं, उनको भगवान की संपत्ति भी मिलेगी नहीं। भगवान की जिन गुण संपत्ति, अनंत गुणों की संपत्ति किनको मिलेगी? बोले जो भगवान के जैसे जैनत्व को ग्रहण। तो सच्चे कौन? वो मुनिराज। कैसे हैं वो? ज्ञान ध्यान धनहीन, धनलीन, ज्ञान और ध्यान के धन में जो तल्लीन है। फिर क्या बोलते हैं? मेन मान बराबर बिन दान धन। फिर मीन में होती ना, कोई कोई इनके अंदर मान नहीं है, कोई मायाचारी नहीं है। मेन और मान बिन, परिग्रह और अहंकार के बिना, बराबर। और दान धन, दान रूपी ज्ञान दान रूपी धन से सहित है। एन हीन तन छीन, एन हीन यानी जो जो क्या कहते हैं, पर्याय में एकत्व रूपी मिथ्यात्व है ना, ये उनको इनसे रहित हैं। और सुंदर शरीर वाले नहीं, तन छीन कि उनका तन भी कैसा है? छीण है। समझ में आ गया? फिर से लाइन ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? कि भगवान कैसे, मुनिराज कैसे हैं? माया रहित, मान रहित, पाप रहित, ज्ञान ध्यान से सहित, और क्रस काय शरीर वाले। कैसे शरीर वाले? क्रस काय शरीर वाले, हमारे जैसे नहीं। अब गजब यही है ना, हमको लगता है शरीर की सुंदरता अच्छी, जबकि ज्ञानी जन लगते हैं कि शरीर की सुंदरता ये बताती है कि शरीर के पीछे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जैसे कोई बहुत पैसे वाला हो ना, और अपने बेटी और बेटी की, बेटे बेटी की शादी में बहुत करोड़ रुपए खर्च करे, तो जो गेस्ट होते हैं वो वाह वाह करते हैं, और जो इनकम टैक्स वाले होते हैं वो नजर रखते हैं। कैसे नजर रखते हैं? बोले इतना पैसा जो बेटे बेटी की शादी में लगाया है वो आया कहां? आप जब भी, अगर आपको इंडिया का पता हो, तो जो भारी भारी शादियां करते हैं उनके यहाँ बहुत जल्दी रेड पड़ जाती। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो इतना ज्यादा धन खर्च रहे हैं, ये धन आया कहां से? सेम जो चमकता हुआ चेहरा हमारा है,
शरीर का समतोल सुडोलपना है, ये किस बात को बताता है? ये इस बात को बताता है कि इस पर द्रव्य के ऊपर जोरदार इन्वेस्टमेंट किया गया है, क्योंकि पता है ये सब कैसे पंचम काल वाले, और पंचम काल में सब अपने आप ठीक ठाक चले ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, बराबर। इसीलिए जिस जिस का भी ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब उन लोगों ने शरीर में बहुत जोरदार इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया। तो अब जैसे जैसे शादी में कोई खर्चा करे, दुनिया देख रही वाह क्या शादी है, वाह क्या शादी है, और इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं, अच्छा ऐसा सब कुछ करने का पैसा कहाँ से आया, इतनी महंगाई के जमाने में कहाँ से कमा लिया, चलो इसके का रेड मार, और रेड डालते हैं तो फिर जो सारा यश है वो सारा धूमिल हो जाता है, और पूरी जिंदगी वो क्या कहते हैं सलाखों के पीछे जाए, समझ में आया। तो तन छीन होना और तन तेजस्वी होना, पुण्य के उदय से सहज गुरुदेव श्री के जैसा शरीर हो कि जरा सा भी ध्यान ना दिया जाए तो भी शरीर चमकता दमकता रहे, ऐसा तो बहुत कम होता है, बराबर। लेकिन लेकिन ऐसे हम हैं नहीं, और अगर हम कर रहे हैं लगातार शरीर के प्रति निदान, अच्छा रहे अच्छा रहे अच्छा रहे, और अच्छा हो भी जाता है तो क्या पता चलता है? तब ये पता चलता है कि हमने मनुष्य पर्याय में आत्मा की बजाय शरीर पर ज्यादा ध्यान। यही श्रीमद जी याद आते हैं, श्रीमद जी बच्चों को सिखाने के लिए एक बार एक दृष्टांत देते हैं कि बेटा तुम्हारे पास में एक हाथ में घी का लोटा हो और दूसरे हाथ में छाछ का लोटा हो, और तुम्हें ठोकर लगे और दो में से एक लोटे को संभालना पड़े तो तुम किसको संभालोगे? हैं कि बिन पेंदी के लोटे इसको संभाले उसको संभाले और दोनों को संभालते संभालते गिर जाए, किसको संभालोगे? सामान्य रूप से देखा जाए तो हर एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, छाछ की कीमत नहीं है इसलिए छाछ के लोटे को फैल जाने देगा, और घी के लोटे में जो घी है उसकी कीमत है इसलिए उसको संभाल लेगा। बस श्रीमद जी यही फरमाते हैं कि आत्मा है घी का लोटा और शरीर है छाछ का लोटा और मोही जीव है बिन पेंदी का लोटा। अपने जैसे मोही जीव कैसे हैं? बिन पेंदी के लोटे, कभी आत्मा को संभालने दौड़ते हैं, कभी शरीर को संभालने दौड़ते हैं, और दुविधा में दोनों रहे माया मिली न राम। एक कहावत कही जाती है हमारे हिंदी पट्टी में, क्या कि दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, कि दोनों ही दुविधा में चले गए, ना माया मिली और ना राम यानी आत्मा मिली। हमारी हालत ऐसी, समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी ये तन का तेजवंत होना संसारी जीवों को आहा आहा का कारण बनता है, बराबर, वाह वाह का कारण बनता है। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि ये इसको तेजवंत बनाने में, चमकता दमकता सुंदर सुडोल बनाने में तूने कितना समय लगाया है उसका हिसाब किताब दे। और मुनिराज का शरीर तन क्षीण कांतिहीन थोड़ा दिखाई देता है, क्षीण दिखाई देता है, बोले वो उनकी विशेषता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनुष्य पर्याय में आत्मा का श्रृंगार किया, शरीर की चिंता करना छोड़। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए समझ लेना, तन छीन होना मोक्ष मार्ग में बुरा नहीं माना जाता, तन तेजवान होना और उसके लिए जो बहुत ज्यादा प्रयास हम करते हैं वो मोक्ष मार्ग में बुरा माना जाता है। इसलिए अपने आप एक गच्छ हुआ, आपको पता नियम सार की टीका किसने लिखी? कौन बताएगा? नियम सार ग्रंथ की टीका किसने लिखी?
हाँ बोलिए जिग्नेश जिग्न हाँ आप कौन बहन हाँ दूसरी मलधारी देव इसमें नाम क्या है पद्म प्रभु और मलधारी उनके गच्छ का नाम किसका नाम है उनके गच्छ का नाम बराबर नाम क्या है बहन आपका जिग्नाशा बहन जिज्ञासा बहन कहां से आवाज नहीं आ रही कहां से है जिज्ञासा बहन म्यूट हुआ हिम्मत नगर अच्छा अच्छा ठीक है बराबर बढ़िया तो समझे कि नहीं समझे तो इस बात को थोड़ा विचार करना कि मलधारी विशेषण बन गया ये मुनिराजों की विशेषता बोली मल धारण करना हमारे लिए हमें कलंक लगता है और मुनिराज कहते हमें तो गौरव का विषय लग रहा है क्यों क्योंकि प्रतीक है कि हमने शरीर के लिए कुछ नहीं किया हमने आत्मा के लिए और हमारा चेहरा चमकता हुआ दिख रहा है कि प्रतीक है कि आत्मा को सुखों के शरीर को चमकाया इसीलिए तन छीन विशेषण बोला बराबर ना और क्या बोलते हैं ये विधि मंगल करनते हैं सब विधि मंगल होए होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु उद्यो इस प्रकार मंगल करने से सब विधि मंगल हो अब मुझे बताओ ऐसे मंगल करने से सब प्रकार से मंगल होता है ये भावना है कि सत्य है बताओ असत्य असत्य है भावना है भावना और सत्य में अंतर असत्य भी नहीं है सत्य भी नहीं है हाँ लेकिन भावना भावना का मतलब क्या हुआ कि टोडरमल जी साहब की भी इच्छा है कि सब ठीक ठीक हो लेकिन स्वयं टोडरमल जी साहब का जीवन इस बात का गवाह है कि मात्र मंगलाचरण करने से सब मंगल नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी मंगलाचरण किया बराबर याते मिले समाज सब पावे निज पद राज लेकिन तो भी देह छूट गई पूरा छूट गया मोक्ष मार्ग प्रकाशक यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सब विधि मंगल होए तो ऐसा नहीं है कि अमंगल हो करने की भावना है और ऐसा भी नहीं है कि मंगल हो जाने की गारंटी है लेकिन लेकिन भाव तो यही रखेंगे ना कोई भाई हम जो बोल रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लिख रहे वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े ज्यादा से ज्यादा लोग सुने मिथ्यात्व का अभाव करें अब विचार करके देखो उपदेश तो कितना दिया जाता है और काम कितना लगता है तो क्या उपदेश देने वाला गलत है नहीं उपदेश देने वाले की अपनी भावना सुनने वाले की अपनी भावना जैन धर्म में भावना बहुत बलवान और भावना में इतनी ताकत होती है कि अगर भावना पवित्र हृदय से भाई जाए तो बंशी का वचनामृत में आता ना 14 ब्रह्मांड को शून्य होना आत्म भावना जो भाता है श्रीमद जी फरमाते हैं आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान कि जो आत्मा की भावना भाता है वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है और देखो और सत्य बात यही है कि रात दिन अगर हमारा संसार बढ़ रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे अंदर में संसार की गहरी भावना क्योंकि अगर संसार के हटाने की भावना होती तो संसार घटना चालू हो जाता और आज भी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं जिनके हृदय में तत्व का बीज चला गया है उनका संसार लंबा नहीं है अल्पकाल में मोक्ष को जाएंगे ये नियम है क्योंकि पवित्र भावना निष्फल नहीं जाए बराबर इस काल में हमें गुरुदेव मिले समय सार मिला गौमठ सार मिला नेमी चंद्र आचार्य मिले कुमकुंद आचार्य देव मिले सब तो मिल गया अरे एक आचार्य का एक ग्रंथ और एक ग्रंथ की एक गाथा मोह को मूल से खत्म करने के लिए पर्याप्त है फिर तो हमें आचार्यों की पूरी फौज मिल गई
और ग्रंथों की पूरी लाइब्रेरी मिल गई, अब हमारा मुंह कैसे बचेगा बताओ? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसीलिए ये भावना तो भाना और अंदर में विश्वास रखना कि हम सब अल्प संसारी और अल्प काल में महान सुखी यानी अनंत सुखी होने वाले हैं। ये विधि मंगल करनते, सब विधि मंगल होए, बराबर। इस प्रकार से मंगल करने से सब प्रकार से मंगल होता है। मंगल का अर्थ क्या होता है? पाप को गले और सुख लाए, यानी सब मंगल कैसा होगा कि सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं और सब प्रकार का सुख मिल जाए, सब जीवों के पाप नष्ट हो जाएं, सभी जीवों को सब प्रकार का सुख मिल जाए, अनंत सुख मिल जाए। सबकी गारंटी नहीं, अपने को तो अपनी चिंता करनी। जिनको अभी संसार में इंटरेस्ट है वो संसार का डिपार्टमेंट संभालेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, है अकल बंद है, जो क्या कहते हैं, अकल बंद शब्द बोला, मंत नहीं बोला, अकल बंद। वो क्या कहते हैं कि अगर सब मोक्ष में चले गए तो संसार में कौन रहे, सब साधु बन गए तो आहार कौन कर रहे, सब पंडित बन गए तो श्रोता कौन रहेगा। इसीलिए संसार चलता रहे इसलिए हम संसारी, मुनियों के आहार चलते रहे इसलिए हम श्रावक, और पंडितों की दुकान चलती रहे इसके लिए हम श्रोता है। ये बड़ी मांगलिक भावना है या मांगलिक? देखो भाई जयेंद्र, तुम ये क्यों सोचते हो है? एक भी कोई सिद्ध हो तो वो मैं हूं, एक भी कोई जिनवाणी को अपने हृदय में आत्मसात करने वाला हो तो वो कौन हो? मैं। समझ में आएगी नहीं है? इसीलिए सबको सुख मिले नहीं मिले सबकी समस्या है, लेकिन मुझे सुख मिलना चाहिए ये मेरी भावना है, और मुझे मिलेगा ही, क्योंकि इस भाव में मैंने बोला ना, एक आचार्य नहीं अनेकों आचार्य का सपोर्ट है, एक गाथा नहीं अनेकों गाथाओं का सपोर्ट है। और गुरुदेव का एक प्रवचन जब इतना प्रतापी है सौगानी जी के लिए, कहते हैं कि एक प्रवचन सुना और रसोड़े में सम्यक दर्शन ले लिया, हमारे पास 9000 प्रवचन, हजारों विद्वान, हजारों गाथा, हजारों ग्रंथ हैं, अब हमारा मोह कैसे बचेगा? तो हम अल्प संसारी और अल्प काल में अनंत सुखी होने वाले हैं, ऐसी भावना रखना कि नहीं रखना बताओ? रखना और रखना ही चाहिए, और ज्ञानी रखते ही। समझ में आया? जिनको अभी संसार अच्छा लग रहा है उन्हें डर लगता है, अरे बाप रे शरीर चला जाएगा क्या होगा, पैसा चला जाएगा क्या होगा, शरीर चला जाएगा पैसा चला जाएगा तो मन सुखी हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं आप शरीर की इतनी बुराई करते हो, कल के दिन शरीर नहीं रहा तो मेरी बधाई हो, शरीर रहे तो सिद्ध होते हैं, तो शरीर नहीं होगा, इंद्रिय नहीं होगी तो हम क्या होंगे? सिद्ध, बराबर। तो अल्प संसारी हो कि अधिक संसारी हो, अंतर्मन क्या कहता है? अंतर्मन क्या कहता है? अब मन को जरा दिखाओ, मन की आदत होती है वो विकार ज्यादा देखता है। ऐसे अगर आप अपने विकार देखोगे ना तो आपको भरोसा नहीं आएगा। मन को कहोगे तुम विकार क्यों देखता है, तो स्वभाव देख, मन की टीम होती है अटकने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कई बार कहता हूं ना कि दांत हो ना, दांत में कुछ फंस जाए, बराबर। जैसे अभी तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भोजन भोजन करके बैठे और दांत में कुछ फंस जाए तो पूरे टाइम जीभ कहाँ जाती है, मन कहाँ अटका रहता है? उससे कोई तुम्हारे पाचन का संबंध है, ऑक्सीजन का संबंध है, ब्लड सर्कुलेशन का संबंध है, किडनी का संबंध है, लीवर का, किसका संबंध है? वो दांत में कुछ फंसा उससे कोई संबंध है क्या? नहीं है। लेकिन वो जीवा है ना, और मन क्या वहीं चिपका रहता, उसे बॉडी इतनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, बाहर सब इतना अच्छा हो रहा है, किसी पर ध्यान नहीं जाएगा, उसका एक्सरसाइज कहां चलता जाएगा? समझे कि नहीं समझे है? तो उसे जैसे एक मन का ये नेचर था कि जरा से विकार में अटक गया, बाकी स्वभाव नहीं देख पाया, वैसे ही हम अपने आप को भी देखते ना तो एक क्षणवर्ती विकार से देखते हैं और हमें लगता हो ही नहीं सकता,
सिद्धौर में इम्पॉसिबल, सिद्धौर में इम्पॉसिबल, उस मन को समझाओ, स्वभाव का उजला पक्ष दिखाओ, उसको बोलो कि विकार है वो तो क्षणवर्ती पर्याय में है और निर्विकार तो मेरा स्वरूप। ख्याल में आया? ये चीज अपने को यहाँ पे रखनी, ऊंची भावना भाव, ऊंची गति के लिए ऊंची भावना बहुत आवश्यक। तो ये विधि मंगल करण से सब विधि मंगल होए और होत उदंगल दूरी सब, सब प्रकार के जितने भी विघ्न हैं बराबर वो सब दूर हो जाते हैं। जैसे तम ज्यो भानु उद्योत, कि जैसे अंधकार सूरज का जैसे ही उदय होता है वैसे ही अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार से जब आपके पवित्र भावना होती है, मंगल भावना आप करते हो, तो आपके जीवन के भी सारे पाप चले जाते हैं। ऐसा यहाँ पर भाव किया है। अभी अपन इसको थोड़ा पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा इसको आगे? बताओ कौन पढ़ेगा? चलो यहाँ पे तो दो लोगों के हैंड रेज है। नीना बेन पढ़ो, चलो परमानेंट वाचक। कभी भी वो वांछन करने का अवसर नहीं खो। मैं एक और बात आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात मेरे विचार मन में आया कि अगले भाव में केवली श्रुत केवली कौन बनता है पता है? मैं एक जगह शास्त्र पढ़ रहा था, मतलब जयपुर की घटना है जो मैं कई बार बता चुका हूं कि एक दादी माँ थी। वो दादी माँ ऐसे उंगली बहुत वृद्ध थी और मूल गाथा ऐसे हाथ कर करके पढ़ती थी, बराबर संस्कृत पढ़ेंगी गाथाएं पढ़ती थी। तो मैं थोड़ा उस समय अपनी विद्यार्थी अवस्था के अहंकार में भी था और एकदम बोला अरे इनको क्या, मैंने ऐसे अहंकार में थोड़ा बोला कह रहे अरे दादी माँ क्या पढ़ती हो तुम्हें, संस्कृत प्राकृत कहाँ खबर पढ़ने वाली, बराबर। तो उनने जो उत्तर दिया वो मेरा मतलब पूरे अहंकार को पिघला गया उस समय। उन्होंने कहा कि बेटा ये बात तो सही है कि मुझे कुछ समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम मैं उन अक्षर उस भाषा को अपने मुंह से बोलना चाहती हूँ कि जो भाषा कुंदकुंद आचार्य देव की थी, जो भाषा अमृत चंद्र आचार्य देव की थी, और मैं समझ में आए या ना आए लेकिन मैं एक बार ये सारी चीजों को अपनी आंखों से अपने मुंह से और अपनी उंगली से छूना चाहती हूँ, आंखों से देखना चाहती हूँ और मुंह से बोलना चाहती हूँ। जितना समझ में आएगा बेटा, हमारे पास तो ऐसे छोपसम नहीं है, तुम्हारे जैसी उम्र नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसलिए नहीं आता, लेकिन इतना भी मैंने कर लिया प्राप्त साहित्य का कि अपनी हाथों से उन ग्रंथ को छू लिया, आंखों से उन गाथाओं को देख लिया और मुंह से बोल लिया, तो भी मैं मेरा जीवन धन्य समझू। तब मेरे अंदर मन से बोध हुआ कि वास्तव में अगले भाव में श्रुत केवली ऐसे लोग बनते जिन्हें श्रुत का इतना ज्यादा मान है, इतना ज्यादा मान है कि बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। ऐसे ही लोग ऐसा साथी से पुण्य बांधते होंगे कि जो अगले भाव में श्रुत केवली या कुंदकुंद आचार्य देव जैसे बने, बराबर। इसीलिए श्रुत के वांचन की, श्रवण की और आत्मानुभवन की कोई भी अवसर को खोना नहीं। ये तो बीच में आपको, और देखो केवल वहां पे अपना ये ज्ञान मत लाना ये समझ में तो आता नहीं तो सुन के क्या करें। ये बहुत सारे लोग, आज भी बहुत सारे लोग बैठेंगे, कभी कुछ समझ में आएगा ना, ज्यादा समझ में आता नहीं सुन के क्या करेंगे, ये प्रश्न संसार में लगाओ है? कभी ये दिगेश भाई कभी ऐसा प्रश्न किया का? अब पैसा यूज तो कर नहीं सकते, कमा कर क्या करेंगे, ऐसा ऐसा ही मन में उत्तर आया क्या? 60 साल के हो गए काका, 65-70 साल के हो गए कोई भी, बराबर। अब उसे पता है कि हम ज्यादा कोई उपयोग कर नहीं सकते, तो भी रोज लाखों कमा रहा है, तब ये प्रश्न नहीं लगाता कि कमा तो यूज तो कर नहीं सकते, कमा कर क्या करेंगे, पहन तो सकते नहीं इतने कपड़े ला करके क्या करेंगे, खा तो सकते नहीं रसोई में इतने अन्न भंडार भर कर क्या करेंगे। वहां प्रश्न नहीं करता, यहाँ पे तुरंत कर लेता है कि समझ में आता नहीं सुनकर क्या करेंगे,
अरे सुनोगे तो समझ में आएगा, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, टिकोगे तो संसार से मोक्ष, यहां टिकोगे तो सिद्ध शिला में टिक पाओगे, और यही नहीं टिक पाए तो सिद्ध शिला में क्या खाक टिकोगे? कोई विजिट करने तो सिद्ध शिला में जाता नहीं, कोई विजिट करने तो जाएंगे, जाकर देखेंगे एक दो दिन अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो वापस घर बेगा। वहां पर भी टिकने वाले ही जाते हैं, उड़न छू तो पहुंचते ही नहीं। इसलिए आप भी हाँ टिकेत सिंह बन के जाना, उड़न छू लाल बन के मत जाना। हाँ चल पढ़ी गुजराती के हिंदी तमने फावसे ना तो वाची लो, हिंदी ने छे ओपन करो छे तमने छे छे ओके। हाँ ओके। अब मंगला चरण संग्रह। अच्छा अगर गुजराती कंफर्टेबल हो, ज्यादातर गुजराती है ना, तो गुजराती भी रख सकते हैं अपन। ना ना योग्य मारा माटे तो ठीक छे, बीजा नो शू अभिप्राय छे, कई बुक राखवी जोईए? गुजराती पण ओपन अच्छे है, बोलो गुजराती बेटर, गुजराती बेटर, बराबर। मीना बेन नो बात 100% साजी। प्रवीणा बेन कम्फर्टेबल इन विच लैंग्वेज? गुजराती राखिए, ज्यादातर गुजराती समझने वाले हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। चलो हवे मंगलाचरण करीने श्रीमद् गोमटसार तेनु बीजू नाम पंचसंग्रह ग्रंथ तेनी देश भाषा में टीका करवानो पुरुषार्थ करू छु। आ ग्रंथ समुद्र तो एवो छे जेमा सातिशय बुद्धि बल युक्त जीवो नो पण प्रवेश थवो दुर्लभ छे। જીનેન્દ્ર દેવ ના સર્વ ગુણો નું વર્ણન કરવા ઈચ્છે પરંતુ તે કેમ થઈ શકે? પ્રશ્ન એક, ન થઈ શકે તો પુરુષાર્થ કેમ કરો છો? ઉત્તર, જેમ જીનેન્દ્ર દેવ ના સર્વ ગુણો નું વર્ણન કરવાની શક્તિ નથી છતાં પણ ભક્ત પુરુષ ને ભક્તિ ને વશ થઈ પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણ ગુણ વર્ણન કરે છે, તેવી જ રીતે આ ગ્રંથ ના સંપૂર્ણ અર્થ નું પ્રકાશન કરવાની શક્તિ ન હોવા છતાં અનુરાગ ને વશ હું મારી બુદ્ધિ અનુસાર ગુણ અર્થ નું પ્રકાશન કરીશ। ચલો બહુ સરસ। હવે આ જે વાત ટોડમલી સાહેબ પોતાની વાત કહે છે કે પંચ સંગ્રહ ગ્રંથ હે ઉસકી દેશ ભાષા માં ટીકા। अब ये देश भाषा क्या कहलाती है? लोकल लोकल भाषा में। हाँ जेम के जैसे मुंबई वाले हो और वो अभी भी मुंबई में अहमदाबाद में जैसे मैं जाता हूँ ना तो कहते देश में जा रहे हैं पंडित जी, देश में जा रहे हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ देश में जा रहे हैं मतलब क्या, विदेश में थोड़ी हूँ, अभी भी देश में हूँ आगे भी देश में जा रहा हूँ। देश का मतलब क्या होता है? रीजनल लैंग्वेज जो आपका है नेटिव। तो जयपुर टोडरमल जी साहब का नेटिव प्लेस था और वहां पे ढूंढार भाषा चलती थी। कौन सी भाषा? ढूंढार। और टोडरमल जी साहब ने उसे ढूंढारी भाषा में टीका लिखी। अब ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था। आज भी एक बात साथ साथ कह दूं कि जैसे वैदिक लोग होते ना, वैदिक लोग उन्होंने किस पर जोर दिया? शब्दों पर जोर दिया। वैदिक लोगों ने किस पर जोर दिया? शब्दों पर। और इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने वेदों की भाषा नहीं बदली, हमेशा संस्कृत संस्कृत हजारों साल तक रही। और उसका परिणाम ये रहा कि आज कोई भी व्यक्ति उसको जानता, अर्थों को ही नहीं जानता। जैन परंपरा में श्वेतांबर परंपरा ने भी शब्दों को बहुत पकड़ा, वो भी आज भी अगर प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं तो वो प्राकृत वाले पढ़ते हैं, प्राकृत वाले पढ़ना चाहिए, बात अच्छी है, लेकिन अर्थ बिना पढ़ने का क्या मतलब? जबकि दिगंबर आचार्यों ने शुरुआत से ही अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखा। उन्होंने संस्कृत जैसे आज है ना इंग्लिश, इंग्लिश कैसी मानी जाती है? हाई क्लास लोगों की भाषा। और गुजराती हिंदी कैसी मानी जाती है? सामान्य वर्ग की भाषा। वैसे पहले संस्कृत किसकी भाषा मानी जाती थी?
हाई क्लास लोगों की भाषा, और प्राकृत किसकी भाषा मानी जाती थी? सामान्य। तो जैनाचार्य बहुत विद्वान थे, लेकिन उन्होंने किसको सिलेक्ट किया? तब भी उन्होंने आवाज बराबर आ रही, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? मैंने बोला था ना, मंगल होने की भावना है, सत्य नहीं, मंगल होवे ऐसा भाव है, लेकिन अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या करता है? बराबर ना, तो उसको जरा समझते हैं। कहाँ थे अपन, कहाँ से वो बंद हुआ था? प्राकृत सामान्य माँ, हाँ प्राकृत सामान्य माँ में बोली जाती। तो आचार्यों ने कभी ये भाव नहीं रखा कि भाई मैं संस्कृत में बोलूं, ज्यादा से ज्यादा लोग समझे उसमें। फिर प्राकृत भी लोगों को समझ में नहीं आई तो हिंदी भाषा में लिखा गया, और जब हिंदी भी उस समय नहीं समझ में आ रही थी तो रीजनल लैंग्वेज यानी कि जो जो कहे ना हाड़ौती भाषा है, वहां की ढूंढारी भाषा है, ढूंढारी भाषा में दौलत ऑटोडमली साहब ने भाषा ली, बड़ा क्रांतिकारी। पीताम्बर समाज अभी भी इस बात को नहीं समझा, और अभी भी वो पाठशाला के पूरा टाइम बच्चों को पाठ गोखाने में लगा देते हैं, और ना जाने क्यों बड़ी सफलता होने उसमें लगती है अगर पाठ गोख लिए बच्चों। बात तो तब है कि जब जैन धर्म की मूल बात उन बच्चों के अंदर सिखा दो, बराबर, और उसके लिए हमें इंग्लिश बोलनी पड़े, गुजराती बोलनी पड़े, हिंदी बोलनी पड़े, बराबर, और कल के दिन कोई नई भाषा आ जाए तो नई भाषा बोलनी पड़े। हमें कभी भाषा का आग्रह रहा ही नहीं, जो भाषा में लोग समझ सके हमने उस भाषा में हमेशा तत्व को बताने की तैयारी रखी है। तो टोडरमली साहब भी यही कहते हैं कि भाई देश भाषा में ये काम कर रहा। अब कहते हैं ग्रंथ तो समुद्र के जैसा है, उसमें तो बहुत विद्वान ही पहुंच पाते हैं। अब देखो ये कौन कह रहा है, ये पंडित अभिषेक नहीं कह रहा जिनकी चाची नहीं, ये पंडित टोडरमली साहब कह रहे हैं, जिनको देखकर लोग ये कहते हैं कि सर्वज्ञता देखनी हो तो टोडरमली से मिल। और ये कहने वाले भी कोई ऐसे ऐसे नहीं, ये कहने वाले भी ब्रह्मचारी रायमल जी, जो स्वयं ब्रह्मचारी और कई ग्रंथों के अध्येता, और वो इतनी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि हमें तो कुछ आता नहीं है, बहुत बुद्धिशाली जीवों का काम है। तो मन तो ये कहता है कि जब आपको नहीं आता तो हमें तो कोई नहीं दिखता जो इसका अर्थ निकाल सके। अगर टोडरमल जी साहब निकाल सके तो निकाल सके, बाकी तो इस काल में हमें कोई ऐसा दिखाई नहीं पाता कि जो इसका अर्थ विशेष कर सके। हाँ बोलिए दिनेश भाई। उनका कहना ऐसा है कि जो ओरिजिनल शब्द है उसको ओरिजिनल ही रहने दो, ये भाषा तो हर एक टाइम बदली होती रहेगी, तो हर एक टाइम समीक्षा में नहीं जा रहा, ऐसा उनका कहना है। अभी मैं समीक्षा में नहीं जा रहा, लेकिन ये बात शब्दों को एज इट इज रखो, ये आप कह रहे हो, लेकिन भाव भाषण कब कराओगे? शब्द किसके लिए है मुझे इतना बता दो, शब्द किसके लिए? वो बात बराबर, मैं आपको, चलो आपको शब्द प्रिय लगते मैं संस्कृत में बोलने लग जाऊं और बहुत बढ़िया व्याख्यान करो, आप लास्ट में करोगे पूरा एक घंटे का पूरा व्याख्यान मैंने संस्कृत में कर दिया, आचार्यों की भाषा देव भाषा, पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम है लीला मदुरा गीरवाण भाषा या ऐसे करते अगर मैं एक घंटे का प्रवचन पूरा कर दूं संस्कृत में है, आपका लास्ट का रिएक्शन क्या हो गया? हो गया पूरा, तो उसमें हम धन्य हो गए, भाव भाषण नहीं करके धन्य बन जाते हैं। ये कैसे करो बताओ, विचार तो करके दे, बराबर। अच्छा, और ये वो ही लोग हैं
जो पिक्चर तो हिंदी में डब्ड करके देखते हैं और प्रतिक्रमण प्रति प्राकृत में पढ़ते हैं जबकि वहां तो ऑडियो और विजुअल दोनों है, हैं? तो उसमें पेट नहीं भरता, उसमें लगता है और हिंदी में डब्ड करेंगे और नीचे वो क्या कहते हैं सब टाइटल भी पढ़ेंगे, मतलब कुछ भी चूक ना जाए। जहां पिक्चर में जरा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है वहां धर्म में ऐसे अंधे बने, बस मुंह से निकल गया ना शब्द काफी, और निकले भी नहीं मुंह से कान में पड़ गया ना तो भी काफी, और कान में भी बैठे बैठे सो गए ना सब लोगों ने बोला प्रतिक्रमण पूरा हुआ पाप मुक्ति, तो ऐसे फील करते हैं जैसे कि एकदम क्या कहते हैं विम वार में धुल के आ रहे हो, जरा सी भी कर्म की चिकनाई नहीं रही। इस बात को थोड़ा विचार है ना, तो उनकी समस्या वो जाने, लेकिन अपने आचार्यों का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और टोटमल जी साहब की विनम्रता ख्याल में आती है, तो अपने आप को मंद बुद्धि कह रहे, अब बता टोटमल जी स्वयं अपने आप को मंद बुद्धि कह रहे, और यहाँ हम किसी को मंद बुद्धि कह देना लड़ने आ जाए, कल के दिन क्लास में वो एस्केप एग्जाम दिखाई नहीं दे, पंडित जी अपने आप को समझते क्या है, थोड़ा सा पढ़ क्या लिया अपने आप को इतना होशियार समझने लगे है, हमको कोई गिनते ही नहीं है, मंद बुद्धि कह दिया सब। अरे टोटमल जी साहब ने अपने आप को मंद बुद्धि का, ये विनम्रता है टोटमल साहब की, बहुत अतिशय विनम्रता है। अब कहते हैं तो प्रश्न भी कहते हैं कोई, अगर नहीं बनता तो उद्यम क्यों करते, नहीं बनता है, नहीं बनता है तो उद्यम क्यों करते हो, पुरुषार्थ क्यों करते हो, तो किसका एग्जाम्पल दिया, भक्ति का, कि जैसे भक्तामृत स्तोत्र में आता है ना, एक आध पद बोलो भक्तामृत स्तोत्र का जिसमें भक्ति का भाव बहुत किया है, भक्तुं गुणानुगुण को आया ना, बहुत है उसमें तो लघुता प्रदर्शन बहुत, आपके गुणों का गुणगान करने में जैसे देव ऋषि बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, तो हम जैसे कि क्या क्या कहते हैं हैसियत है, कल्याण मंदिर स्तूत में कई बार कहते हैं कि भगवान के गुण तो ऐसे हैं कि अथाह समुद्र की भांति, तो भी हम कहने का भाव कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी सुंदर उपमा उन्होंने दी कुमुद चंद्राचार्य ने, याद नहीं होगी याद बता देता हूँ, बालोपि निज बाहुम वितत्य, कि अगर आप बालक से पूछो कि समुद्र कितना होता है तो पहले बोलेगा इतना, बोलता और बोले इतना, बोले और ऐसा ऐसा करते करते पूरे हाथ पीछे तक कर देगा, तो वो समुद्र को बताने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन बताओ वो समुद्र क्या बालक की छोटी छोटी भुजाओं में आएगा क्या, लेकिन जैसे बालक को बताने का भाव होता है कि हम इतना बड़ा समुद्र देख कर आए, इतनी बड़ी ट्रेन देख कर आए, इतनी बड़ी नदी देख कर आए, वो आप कभी भी देखो ना जब भी बड़ी बात करेगा तो उसके हाथ अपने आप खुल जाते, अभी आप देखना कभी सामान्य मनोविज्ञान है बालकों का बराबर, एटलीस्ट स्मार्ट बिफोर स्मार्टफोन इरा में तो ऐसे करते थे, आजकल ये स्मार्ट चाइल्ड का पता नहीं क्या क्या करें है? लेकिन आप लोगों ने 100% ऐसा किया होगा इसकी गारंटी हम छोटे थे तो वही करते थे हाँ, कितनी लंबी इतनी हर चीज को इतना बड़ा कर, तो जैसे बालक होता है ना, बालक विस्तार को बताने के लिए उसके पास और कुछ नहीं होता, गणित के मीटर पैरामीटर वो जानता नहीं किलोमीटर है कि नहीं है, तो क्या करता है हर चीज को अपनी छोटी छोटी भुजाओं के द्वारा बताने की कोशिश करता है, बालोपि निज बाहुं वितत्य, कि जैसे बालक ऐसा प्रयास करता है वैसे हम भी ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे समुद्र उसकी भुजाओं में नहीं आता वैसे भगवान के गुण भी किसी के ज्ञान में नहीं आते, तो भी अंदर में भक्ति उछलती है, तो हजारों वर्षों से आचार्य भगवान का गुणगान कर रहे और आज भी हम कर रहे और अनंत काल बाद तक भी करते रहे, ये जानते हुए भी कि वो सब कुछ कहा नहीं जा सकता तो भी कहने का भाव आए बिना रहता, ऐसे ही टोटमल जी साहब कह रहे कि सब कुछ हम कह नहीं सकते लेकिन फिर भी हमें कहने का भाव आता है और उसी भाव के कारण हम कहते हैं बराबर। हाँ आगे का पढ़ो प्रश्न बी, जो अनुराग से तो पोतानी बुद्धि अनुसार ग्रंथाभ्यास करो
परंतु मन बुद्धि वालाओं ने तो टीका करवाना अधिकारी थव उचित नहीं। उत्तर, जेम कोई पाठशाला में बहु बाळको भणे छे तेमा कोई बाळक विशेष ज्ञान रहित छे छता अन्य बाळको थी वधारे भण्यो छे तो ते पोता थी अल्प भणेला बाळको ने पोताना जेवु ज्ञान थवा माटे काई लखी आपवा आदि कार्य नो हकदार होय छे। तेज प्रमाणे मने विशेष ज्ञान नथी छता पण काळ दोष थी मारा थी पण मंद बुद्धि वाला छे अने थशे पण તેઓને માટે મારા જેવું આ ગ્રંથનું જ્ઞાન થવા માટે ટીકા કરવાનો અધિકારી થયો છું। જો પહેલા નંબર ટીકા એટલે કમેન્ટરી, ટીકા ટિપ્પણી વાળી ટીકા નહીં, આપ સમજના। હવે એક પ્રશ્ન કે ભાઈ અગર નહીં આતા, નહીં આતા તો પહેલે પડો, લખને કી ક્યા જલ્દી, વાત અપને કો ઉપર ઉપર સે સહી લગતી કે વાત સહી હે, લખને કી તો અધિકારી હમ નહીં હે। લેકિન दृष्टांत क्या दिया टोडरमल्ली साहब ने, और ये लगभग लगभग जो भी क्लास में कोई कोई होगा इनमें से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हो, टोडरमल जी तो थे ही, और मतलब मैंने भी बहुत ऐसा सब काम किया जो टोडरमल साहब कर रहे हैं कि क्लास पूरी होती थी और सब लोग घेर के मुझे बैठ जाते थे, क्या रहा क्या रहा क्या रहा, तो जो मुझे आता था मैं बता देता। अब वहां पे मैं कहता हूँ नहीं, मैं भी विद्यार्थी, मैं थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, मैं भी विद्यार्थी, मैं थोड़ी पढ़ा सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं वो पढ़ाने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है और मेरी क्लास वालों को उतना भी समझ में नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, जितना मुझे समझ में आता था उतना सबको बता देता था, और वो समझना उनकी अगली क्लास समझने में कारण बन जाता था। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो टोडरमल साहब इतने विनम्र, अपने आप को मास्टर की कैटेगरी में नहीं रख रहे, अपने आप को स्टूडेंट की कैटेगरी में रख रहे, और ये भी कह रहे हैं कि हमारा कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है लिखने का, टीका लिखने का, आचार्यों के ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान तो कुछ नहीं, तो क्यों लिख रहे है? बोले हम क्या करें, आचार्यों की बात को लोग समझ नहीं पा रहे, हम अगर हम जमीन पर हैं तो लोग तो खीण में खाई में, तो हमारा जो जमीनी ज्ञान है वो कम से कम उस खाई में पड़े हुए लोगों के लिए तो काम का। आप देखो ये सच में हम मुमुक्षुओं के लिए आदर्श, हम लोगों को तो ज्ञान का अहंकार तुरंत चढ़ने लगता है, हमें बहुत आता है, हमें बहुत आता है, हमें बहुत आता है, गिने चुने फिक्स वाक्य हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने तो चार बार गुरुदेव के प्रवचन सुन लिए, हमने तो सतपथ का एग्जाम दे दिया, हमने तो तत्व ज्ञान का पढ़ लिया, हमने तो परमा का मोनर्स कर लिया, हमें तो सब आता है, हमें तो सब आता है। अरे भाई टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं हमें कुछ नहीं आता, और कुछ नहीं जिन्हें आता वो ये कह रहे हैं कि हमें सब कुछ आता, जिन्हें बहुत कुछ आता है वो कह रहे कुछ नहीं आता, और जिन्हें कुछ नहीं आता वो कह रहे हमें सब कुछ आता है। वास्तविक बात है भाई, हैं? अज्ञानता में आप अपने बारे में कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि जो मैं जानता हूं वो विशाल ज्ञान का अंश तक, और ये सत्य है। सर्वज्ञ भगवान जितना जानते उसका अनंत मा भाग जिनवाणी में आता, क्या बोला, सर्वज्ञ भगवान जितना जानते उसका कितना भाग, अनंत मा भाग कहाँ आता, द्वादशांग में आता है, पूरे द्वादशांग उसका अनंत मा भाग गणधर समझ पाते, उसका अनंत मा भाग वो आगे तक समझा पाते, उसके अनंत में भाग को अन्य लोग लिख पाते, और उसके असंख्यात भाग को हमारे तपास तक आया, उसमें भी कितना कट गया, पिट गया, लुट गया, नष्ट हो गया, अब आए कितना हमारे पास में ज्ञान, और जितना है उसमें से भी पढ़ा कितना, और उसके बावजूद अब हमें प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं लगती, अब हमें शिविर में जाने की जरूरत नहीं लगती, ज्ञान की ओडकार पे ओडकार खाया जा रहा है। बोलो, ये जीव गलत रास्ते पर है,
जो भी ज्ञान के रास्ते पर है वो ज्ञान के लिए तरसता है, ज्ञान से उबकाई नहीं देता, उबता नहीं, और जो ज्ञान से उब रहा है वो मोह में रस ले रहा है। ये समझ क्या बोला, एक सिंपल गणित है ना, घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा तो भूखा तो नहीं मर रहा। सीधी सीधी सी बात है कि बाहर का होटल का खाना खा रहा, यही गणित हुई कि नहीं हुई, लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। कोई व्यक्ति का टिफिन माताएं बहने बना के रखें बराबर, और वो टिफिन भैंसे का भैंसे वापस आ जाए, एक रोटी भी ना खाए और व्यक्ति भैंसे झाड़ा पाड़ा रहे, है सूखे नहीं तंदुरुस्त रहे, तो मतलब क्या है, वो टिफिन का नहीं खा रहा और भूखा भी नहीं मर रहा, तो मतलब कहाँ का खा रहा है, बाहर। दृष्टांत सिद्धांत, जो व्यक्ति ज्ञान में आनंद नहीं मान रहा और अपने को दिख रहा है मजे में है, वो निश्चित रूप से किस में मजा ले रहा है, मोह में मजे ले रहा है। और जिसने मोह में मजा लेना छोड़ दिया उसके पास ज्ञान के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, और वो ऑप्शन ढूंढते ही नहीं, क्योंकि तो इतना बढ़िया, इतना निर्दोष, इतना स्वाधीन, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं उसके पास। इसीलिए बहुत गहराई से बात कह रहा हूं, आप भी अपने हृदय पर हाथ रख के समझिए, आप जो सुनते हो ना, मेरा एक ही प्रश्न है, आपको उसमें मजा आता है कि नहीं है? अगर आता हो तो समझना ज्ञान के साथ आनंद का रस आ रहा है, मतलब रस्ता बराबर बराबर, और अगर आनंद नहीं आ रहा है तो ज्ञान बराबर उस जगह तक पहुंच नहीं रहा जहां तक पहुंचना चाहिए। समझ में आया, आपको अभी भी ज्ञान तो ठीक 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 है जान लिया, लेकिन आनंद लेने के लिए आप कहां जाओ, पांच इंद्रिय के विषयों में, मतलब ज्ञान लिया तो मेडिकल पे जाकर दवा लेकर तो आ गए लेकिन खाई नहीं। इसीलिए ज्ञान में ही लीन रहो, ज्ञान से मौजी ले रहो, ज्ञान में तृप्त रहो। इसके लिए तो टोडरमली साहब ने ये लिखा है। तो वो कहते दूसरे नंबर के प्रश्न में कि भैया देखो, हमने तो बहुत सामान्य है, हमें तो आनंद आता है दूसरे लोगों को पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने में, इसीलिए हम लिख रहे हैं, लेकिन हम हैं कैसे, विद्यार्थी ही है, अध्यापक नहीं। तो हमें भी मोक्ष मार्ग में हमेशा कैसे बना रहना चाहिए, विद्यार्थी बने रहना चाहिए। ठीक है, आगे के प्रश्न चर्चा अब अगली क्लास। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।